नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मजेदार पहेलियाँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये पहेलियाँ बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली पहेली है, प्रथम कटे तो फौज कहलाऊं, अंत कटे तो नानी बन जाऊं, देश के लिए हो जाऊं न्योछावर, मेरी है बड़ी महान कहानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सेनानी। सेनानी का आखिरी अक्षर नी काट देते हैं तो यह सेना बन जाएगा यानी कि फौज, और पहला अक्षर से काट देने पर यह नानी बन जाएगी, और देश के लिए न्यौछावर हो जाने वाले महान सेनानियों की कहानियां तो आपने पढ़ी ही होंगी। अगली पहेली है, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद बाजार में नहीं बिकता है। इसका सही जवाब होगा सब्र का फल। दोस्तों आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, तो यह वो फल है जो होता तो मीठा ही है लेकिन किसी बाजार में नहीं मिलता है। तीसरी पहेली है, रोटी की कुल संख्या 20 यानी कि 20 है और लोगों की संख्या भी 20 ही है, बच्चे खाएं आधा से आधा रोटी, महिला खाएं एक एक रोटी, आदमी खाए दो दो रोटी, तो आपको बताना है कि वहां पर कितने बच्चे, कितने महिला और कितने आदमी हैं। इसका सही जवाब होगा 8 बच्चों को 2 रोटियां मिली। आपको क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना होगा, बच्चे खाएं आधा से आधा रोटी यानी कि एक रोटी का चौथाई भाग, तो इस तरह से 8 बच्चों ने मिलकर कुल 2 रोटियां खाई। महिला खाए एक एक रोटी, तो इस तरह से 6 महिलाओं ने कुल 6 रोटियां खाई एक एक रोटी करके, और आदमी खाए दो दो रोटी, तो इस तरह 6 आदमी ने कुल मिलाकर 12 रोटियां खाई, तो इस तरह 20 लोगों ने मिलकर 20 रोटियां खा ली। अगली पहेली है, अगर 1 + 9 + 11 = 1 है तो 12 + 11 + 9 = क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 10 यानी कि 10। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 कैसे होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे होगा। 1 यानी कि O-N-E प्लस 9 यानी N-I-N-E प्लस 11 E-L-E-V-E-N। अब इन तीनों का पहला पहला लेटर यानी कि 1 का O, 9 का N, 11 का E यह लेंगे और इस तरह से यह बन गया O-N-E यानी कि 1। उसी तरह 12 का T, 11 का E और 9 का N लेंगे और इसको एक जगह इकट्ठा करने पर बनता है T-E-N 10। उम्मीद है आपको यह पहेली समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली पहेली की तरफ। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई जा रही है, इसमें ऑड वन आउट चूज करना है यानी कि इसमें से 2 गलतियां आपको ढूंढ निकालनी है। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों उम्मीद है कि आपकी तेज नजरों ने इस गलती को ढूंढ लिया होगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए होंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन सभी इमोजीज में आंखों की जगह पर डॉलर का साइन लगा हुआ है, लेकिन इसमें 2 ऐसी इमोजीज हैं जिनमें डॉलर की जगह पर रुपीज का साइन लगा हुआ है, और वो इमोजी है ये। तो दोस्तों आपको ये पहेलियां कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चार ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।